काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। सोमवार का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट के विस्तार भा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक रावत भाजपा के मोहन कैबिनेट के मंत्री बने, जिनका 2 बार शपथ दिलाई गई। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली ने उस चरण माँ पूजा अपना पंचायत सभा चरण का प्रणाम करते शुरू करते बड़ी खबर से बता दी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट के विस्तार भा। कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक रामनिवास रावत का राजभवन में कैबिनेट मंत्री पद के शपथ लेकर ही सवेरे करीब 9:03 बतौर राज्य मंत्री उनके द्वारा शपथ लेंगे। गलती के एहसास बात करीब 9:18 पर फिर से कैबिनेट मंत्री के शपथ दिलाई गई। राव के द्वारा अब तक इस्तीफा नहीं दिन गए, वजह से रिकॉर्ड बहु कांग्रेस के विधायक हैं। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत एक मंत्री शामिल हुए। मोहन मंत्रिमंडल में अब तक मंत्री की संख्या 31 हो चुकी है। मंत्रिमंडल में अधिकतम 34 मंत्री हो सका था, इसने में 3 पद वही रिक्त था। मंत्री बने के बाद रावत विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष का सौंप सका था, जिसके बाद उनका विधानसभा सीट श्योपुर जिला के विजयपुर पर दोबारा चुनाव हुई। रामनिवास रावत का बतौर कैबिनेट मंत्री के शपथ लेकर रहा, लेकिन जिन पत्रों में दीन कर रहा हूँ राज्य के मंत्री लिखा रहा। रावत के द्वारा गलती से एक राज्य मंत्री पढ़ा गया, जिसकी वजह से उनके शपथ राज्य मंत्री के तौर पर दर्ज हो गए। फिर दोबारा शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री भी रामनिवास रावत के। अगर सियासी सफर की बात की जाए तो श्योपुर के विजयपुर से छठी वेयर के विधायक है। चंबल क्षेत्र में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता में शुमार है, जबकि 2019 में मुरैना सीट से लोकसभा में चुनाव लड़े रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं। दिग्विजय सरकार में कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं। 30 अप्रैल 2024 का बीजेपी में रामनिवास रावत शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के दौरान रावत के द्वारा कहा गया कि हर केहू की इच्छा होती को क्षेत्र की जनता के खातिर कुछ करा, लेकिन जितना विकास वो चाहते रहे नहीं कर पाए और अब बीजेपी में शामिल हुई के क्षेत्र का प्रदेश के मुख्य धारा तक ले जाए चाहता था। सजग रही, सतर्क रखिए आपन और अपने परिवार की, बहुत ख्याल दे। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।